हिंदी में हमारा हाथ टाइट है थोड़ी हाथ थाईलैंड भेज दे उनको, वहाँ दिन नहीं देखे ये कितने लग रहे हैं, यहाँ पर जल्दी चलो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है दूसरा दिन और हम जा रहे हैं शिमला। शिमला में आज तक मतलब एक बार गया हूँ, बस एक रात ही रह के आया था, घूम के आया, थोड़ा सा घूमा, उसके बाद घूमा नहीं था मैं, मैंने ज़्यादा देखा नहीं हुआ शिमला। तो आज हम सोच रहे हैं कि अगर सोलन तक आए हैं तो शिमला भी घूमने जाएं। कल हम गए थे त्रिवेणी घाट, कुछ ऐसी नाम था। सो कल हम वहाँ घूम के आए हैं सोलन में। वो जगह इतनी अच्छी थी, मतलब वाटरफॉल इतना अच्छा था, बट वहाँ लोगों ने इतना गंद डाला हुआ था ना, इतनी अच्छी लोकेशन को लोगों ने इतना गंद डाल के बेकार कर दिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है हर एक से कि आप लोग कहीं भी घूमने जाएं, कुछ भी खाएं पिएं, कुछ भी जो भी सामान लेके जाएं वो वापसी जरूर लेके आएं अपने साथ, वहां मत फेंक के आइए। चलो खैर शिमला देखते हैं क्या क्या है। एक दो लोकेशंस हमने सर्च की हैं, तो मैं वैसे एक बार ही गया हूँ, ज़्यादा मुझे पता नहीं है, तो आज देखेंगे कैसा है शिमला। हम बस शिमला से 12-13 किलोमीटर पहले हैं, यहाँ रुके हैं, थोड़े से फ्रूट ले रहे हैं, फ्रूट लेंगे और वो शेक पियेंगे, मैंगो शेक या फ्रूट खाएंगे। और हेल्थ कॉन्शियस बड़े हैं, वधिया खा पी रहे हैं, से रहे हैं, टोस्ट खा के आए हैं, घर बनाए थे सोलन से, साडा अपना ही घर है, 1 BHK है अपना। किसी दिन भी खा, सॉरी सॉरी भाई हिंदी में बोल रहे हैं, मैं पंजाबी बोल जाए। शेक कौन कौन से? मैंगो बनाना पपाया। पहले फ्रूट देख ले कौन सा लेना है। अनानास तो खट्टा होता है ना, मैंगो ले ले, सीजन तो है वैसे आम का, सीजनल फ्रूट है। हां मैंगो ले। कौन सी जगह है अंकल, क्या कहां पहुंच गए हम? शोगी। अच्छा शोगी है ये? शोगी तो हम पहुंचे हैं, शोगी। हेलो। हां 12-13 किलोमीटर दिखा रहा ना। मैंगो शेक बबलू से पूछ, मैंगो 3 मैंगो शेक कर दो और जो भी फ्रूट देख ले भी कौन सा चाहिए। मैंगो शेक आ गया अपना और हम खाएंगे पियेंगे। भाई मैंगो शेक बहुत टेस्टी बनाया अंकल ने। और ये शोगी है, शोगी का मैंगो टेस्ट, मैंगो सॉरी मैंगो टेस्ट कह रहा हूँ, शोगी का मैंगो शेक। और देखो शिमला रह गया 13 किलोमीटर, वो एन एकदम दूर दिख रहा होगा बोर्ड, हम शोगी पहुँचे हैं और ये हमारी गाड़ी है और अब चलते हैं शिमला की तरफ फटाफट। हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए फोटो फोटो खिंचाने के लिए। यहाँ से शिमला बहुत अच्छा लग रहा है, व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। फोटोज़ वगैरह की चाली हैं पर अच्छी नहीं आई हैं, यहाँ पर शिमला पूरा दिख ही नहीं रहा अच्छे से। और अब हम जा रहे हैं शिमला सीधा, वहाँ जाके रुकेंगे, वहाँ जाएंगे फोटो सीधा। सो फाइनली पार्किंग हो गई है। शिमला में पार्किंग की इतनी दिक्कत होगी मुझे पता नहीं था, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी पार्किंग की। ये हमारा वॉलेट, इतने लोग आ रखे हैं भाई, शिमला भरा पड़ा है पूरा। ये देखो शिमला हम पहुंच गए हैं, शिमला दिखाता हूँ आप लोगों को। ओ वाह जी वाह, कितना सुंदर लग रहा है ना, व्यू कितना अच्छा है भाई। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है, पार्किंग लगा के अब ऊपर जा रहा हूँ, बाकियों को मैंने सबको ऊपर उतार दिया था तो मैं अब खुद ऊपर जा रहा हूँ। नीचे 4th फ्लोर हमें पार्किंग मिली थी मुश्किल से, मैं सीढ़ियों से चला जाता हूँ वहाँ से जल्दी करना। लिफ्ट से जाएंगे अब, लिफ्ट अपने बंदे कहाँ खड़े हैं पहले तो देखो। हाँ लिफ्ट चलानी है, ये लाइन है क्या पूरी? ले ली टिकट हमने पहले ले लिया, पर भीड़ बहुत है यहाँ पर, वो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। एक लिफ्ट में कितने जाने जाते हैं? 25। एक में 25 जाएंगे। एक लिफ्ट हम आगे ऊपर, अब यहाँ से चेंज करेंगे, अब यहाँ से हम यहाँ से सीधा जाएंगे और दूसरी लिफ्ट चेंज करेंगे। अभी हम दूसरी लिफ्ट में जा रहे हैं, इसमें कितने जाएंगे? इसमें 15 जाएंगे। तो हम दूसरी लिफ्ट से निकल के सीधा माल रोड पहुँच गए और ये सीधी हमारी माल रोड पे एंट्री।
खड़ी कर दी। हाँ थायरॉइड भेज दे उनको, वहाँ दिन नहीं देखेंगे ये कितने लग रहे हैं, यहाँ पर जल्दी चलो। तो ये उन्हें लिफ्ट से कह रहे थे। हाँ सुनिश्चित थी तुम असरा थी। ये लिकर वाइन शॉप यहाँ पर आके जरूर रुकें और जरूर खाए पिए। रिज मॉल रोड पहुंच गए ऊपर और लिफ्ट से उतरे थे, थोड़ा सा चलना पड़ा बस, थोड़ी सी दो टन लेके हम ऊपर पहुंचे। और वो देखो ये इंडिया का फ्लैग। चलो चलो अब कैफे ढूंढते हैं कोई बढ़िया सा। हाँ अब किसी कैफे में मिलते हैं, बहुत बढ़िया से कैफे में बैठे हैं, टेंशन नहीं लेनी कोई खाने पीने की। हिमाचल में मोदी जी आ रहे हैं कल शिमला में, तो उनकी वजह से रास्ता यहाँ से बंद किया हुआ है चर्च की तरफ जाने का, तो हम दूसरी साइड से जाएंगे। तो शिमला तो हमने घूम लिया, दो तीन घंटे बहुत है। माल रोड आज इतना क्राउडेड है, इतना ओवर क्राउडेड है, और मोदी जी के आने की वजह से सारा उन्होंने बैरियर से लगा रखे हैं ताकि बीच बीच में से निकल जाएं लोग। आना मैंने 360 वीडियो बनाई है, शायद उसमें दिखेगा आपको। सड़कें इन्होंने नई बना दी हैं और वेलनगुड़ के हम आज आगे निकल जाम में फंस जाते हैं। हाँ तो हम आज आगे, ये अच्छा हुआ। अब ऊपर चर्च जा रहे हैं दूसरे रास्ते से क्योंकि उन्होंने ऊपर से बंद किया हुआ है। बस ऊपर चर्च जाके घूम के फिर असी यमुना नगर नू 4-5 घंटे लग जाने सानू पहुंचते। रात 12 बजे पहुंचांगे। कोई ना, शिमले दे नजारे ले रहे हैं। आज मौसम अच्छा है, बहुत वधिया, ठंडी ठंडी हवा, एन नजारेदार। खतरनाक चढ़ाई चढ़दे हुए चर्च वाल नू, और माल रोड दी रौनक देख लो बहुत सोहनी है। हो सो पहुंच गए। फोटो शूट वगैरह डन करके हम ऊपर चले नीचे दशमला टाइम्स। हाँ दशमला टाइम्स कैफे खा पी के फिर सीधा घर नू। ओ यार फिर मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, मेरा जो व्लॉग है आधा पंजाबी आधा हिंदी में होगा, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने हिंदी में बोलना है। सो हम अभी जा रहे हैं शिमला टाइम्स कैफे, और ये रास्ता देख लो ये लाइट जल गई है। मतलब हिंदी से साडा काम टाइट है थोड़ा, हिंदी में हमारा हाथ में बहुत बढ़िया है। हिंदी में हमारा हाथ टाइट है, सो यू कैन एडजस्ट यू नो, सो वी डोंट हैव टाइम। सो और ए मेरे गोल्स नजर देने, जज ना करना कि कैन सारे कितने कैन शाम हो गई है ते चश्मे लाई बैठे। सो कमला तो नहीं हो गया। हां ये मेरे नजर के चश्मे जिद्दा असी उन्होंने कमले समझते सी, ब्याह च भी चश्मे पा के आंदे सी। हां असी लोगों ने सोचते ब्याह चश्मे पा के, कहीं तो शौक नु पा, कई लोग शौक के लिए डाल के आते हैं, और कई लोगों की नजर के चश्मे होते हैं। तो हम ये मेरे भी नजर के चश्मे। शिमला टाइम्स कैफे नहीं, वो बैठा वेट कर लेते हैं 5-10 मिनट। बहुत ही सोना कैफे है। गलती हो गई। क्या हुआ? जब वहाँ टाइम लैप्स बना रहे थे ना, हाँ। उसके बाद टाइम लैप्स तो हटाया नहीं, सारी वीडियो टाइम लैप्स में बनी है, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। ओ टाइम लैप्स वाला काम खराब हो गया, टाइम लैप्स का ध्यान नहीं दिता ना। अगली बार गलती होगी ना नहीं पता ही, तेनू पता चलेगा।
फाइनली बैक टू सोलन, सोलन पहुंच गए हैं और अब बस घर जाएंगे। यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हम, रिफ्रेशमेंट यू नो, तो रुक के बस थोड़ा सा खा पी के फिर घर पर।